नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे शोभा लिमिटेड के बारे में। आज के दिन ना सभी जितने भी रियल एस्टेट की कंपनियां हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, शोभा हो गया, सभी में मुनाफा वसूली ही देखने को मिल रहा है। तो ये जो है ना, आज के दिन गिरावट हो रही है वो सिर्फ ना एक प्रॉफिट बुकिंग है, और आज के दिन कोई ऐसा खराब न्यूज़ नहीं आया है। तो सुबह में कितना था, तो 5% का गिरावट रहा, और आज के दिन यहाँ पर देखिए 3.5% का अभी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अभी आगे क्या रह सकता है, तो अभी अभी हमारे पास देखिए ना एक रेजिस्टेंस एरिया है, वो है 19.46 का, और ये मुनाफा वसूली अगर चालू भी हुआ है ना तो थोड़ा इसमें बढ़ सकता है। तो एक सपोर्ट लेवल है वो है 7717 का। अगर ये सपोर्ट लेवल कल के दिन तोड़ता है तो फिर हमको ना और डाउन साइड देखने को मिल सकता है। जब तक ये अगर तोड़ता है तो 1509 रुपये तक का एक डाउन साइड रहेगा। अगर नहीं तोड़ पाता है तो फिर हमको ना यहाँ से अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से एक हायर पोजिशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रेंड अभी भी मार्केट का पॉजिटिव है। तो थोड़ा सा ना मुनाफा वसूली छोटा सा ही देखने को मिल सकता है, ये नहीं कि बड़ा बड़ा मुनाफा वसूली 20-20% का देखने को मिले। तो यहाँ पर क्या है, तो ये देखो एक लेवल को अगर रेस्पेक्ट कर दिया और कल के दिन अपसाइड जाता है तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 1946 का, पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट जो रहेगा ना 2100 रुपये तक का देखने को मिल सकता है। बाय से लोग कोई रिकमेंडेशन है, चैनल पहली बार आ तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।